हेलो, सुशांत सिंह राजपूत की फॉर्मर मैनेजर दिशा सालिन को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट सामने आई है। जी हाँ, जिस तरीके से आप जानते हैं कि जब से सुशांत सिंह राजपूत गए हैं, तब से सुशांत सिंह राजपूत के केस को दिशा सालिन के केस से जोड़ा जा रहा है। और इस बीच एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया। ये वीडियो है दिशा सालिन की, जिसमें दिशा सालिन अपने हादसे से ठीक पहले एक पार्टी अपने घर पर करती नजर आ रही है। और इस पार्टी में वो खूब झूमती हुई, नाचती हुई, गाती हुई नजर आ रही है। ये पार्टी उनके घर पर चल रही है, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आई है। बता दें कि यहाँ पर काफ़ी सारे शख्स इनके घर पर हैं जहाँ पर वो पार्टी कर रही है। तो सवाल ये है कि जब हादसे से पहले दिशा पार्टी कर रही थी, तो उन्होंने खुद 14वीं मंजिल से कूदने का फैसला क्यों किया? सवाल ठीक वही है कि जैसे सुशांत ने अपने घर पर पार्टी की थी, तो अगले दिन उन्होंने क्यों अपने साथ हादसा करने का फैसला लिया। और वैसा ही सीन ठीक दिशा सालिन के साथ हुआ, जहां पर दिशा सालिन ने भी पार्टी की और पार्टी के बाद उनके साथ हादसा हो गया। दोनों कनेक्शन अब एक जैसे ही हैं, एक जैसी ही चीज़ें इनके साथ हुई है। जहां पर सुशांत के केस में कहा जा रहा है कि सुशांत के साथ हादसा हुआ नहीं बल्कि किया गया है, यहाँ पर साजिश हुई है सुशांत के साथ, ठीक वैसे ही दिशा सालिन के साथ भी ये हादसा उनकी मर्जी से नहीं बल्कि किसी ने धक्का देकर 14वीं मंजिल से दिशा सालिन को गिरा है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसी खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से वीडियो सामने आई है, उस तरीके से इस वीडियो के बाद पूरी तरह से ये राज खुल चुका है कि दिशा सालिन किसी डिप्रेशन में नहीं थी। उनका कुछ भी ऐसा कोई सीन नहीं था कि वो खुद 14वीं मंजिल से कूद जाए और खुद जिंदगी को ख़त्म कर दे। नेक्स्ट टाइम लाइव से रजनी की रिपोर्ट।